हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फूडी सिस्टर। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप सबका हैप्पी न्यू ईयर एंड होप सो ये न्यू ईयर सबके लिए अच्छा हो एंड आई विश कि ये न्यू ईयर अच्छे से अच्छा गुजरे। तो आज हमने कुछ स्पेशल बनाया है। हैज यू पीपल नो कि ये न्यू ईयर एंड क्रिसमस है, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ केक्स। तो हमने चॉकलेट ट्रफल केक बनाया है विदाउट ओवन, विदाउट ओटीजी, सिर्फ तवे पे बनाया है हम लोगों ने। कैसा ईच एंड एवरी मेथड वी विल टेल यू। सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट सी द कंप्लीट वीडियो। तो चलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक तवा ले लीजिए जो आपके यूज़ में ना हो। देखिए बिल्कुल इसी तरह, और अतराफ से आप सॉल्ट रख के एक ऐसा बर्तन रख दीजिए जैसे ओवन और ओटीजी में प्री हीट होता है माइक्रोवेव। बिल्कुल उसी तरह हम हीट कर लेंगे तवे को, और एक साइड हम इसका बैटर बना लेंगे। फर्स्ट हम ग्रेटेड चॉकलेट लेंगे, देन वी विल ऐड बटर इन दिस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप डबल बॉयल भी कर सकते हैं या फिर आप माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स रख सकते हैं। जस्ट कीप इट फॉर 30 सेकेंड, ज़्यादा मत कीजिए वरना आपका चॉकलेट उतना अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। अगर फिर मेल्ट ना हो तो फिर 30 सेकेंड्स रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन वी विल ऐड इन दिस आइसिंग शुगर जो हमने ग्राइंड कर लिया था, शुगर नॉर्मल शुगर को, वो भी अच्छे से हम छन्नी के हेल्प से हम अच्छे से और पाउडर कर लेंगे। देखिए, और जो एक्सेस होता है उसे निकाल लेंगे। देन वी विल पुट वन फुल कप ऑफ कर्ड और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चॉकलेट के साथ। देन विद द हेल्प ऑफ द बीटर विल मिक्स, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक बीटर। देन वी विल ऐड बेकिंग सोडा, देन नॉर्मल सोडा जो होता है वो ऐड करेंगे। आप बिल्कुल हिसाब से ऐड कीजिए, पिंच ऑफ नॉर्मल सोडा, देन टू कप ऑफ मैदा ऐड करेंगे हम इसके अंदर, देन वन फुल कप ऑफ कोको पाउडर, दिस इज कॉर्नफ्लावर, टू स्पून कॉर्नफ्लावर, देन वन फुल कप ऑफ मिल्क पाउडर। अच्छे से इन सबको हम फर्स्ट जल्दी कर लेंगे। देखिए इससे, क्योंकि जब आपका पाउडर नाइस होगा तो मिक्स करने में अच्छा होगा, लम्स ना रहेंगे। देखिए कितना एक्सेस है वो हमने काट लिया। अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे। ऐड वेनिला एसेंस इन दिस, स्मेल्स अच्छी होती है वेनिला एसेंस की। आप ऐसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करते रहिए। जैसे आपको दिखाऊंगी कि मुझे कैसा टेक्सचर चाहिए। अगर आपका टेक्सचर ऐसा हो तो योर केक विल बी परफेक्टली रेडी। सी कितना स्मूथ एंड सिल्की शाइनी दिख रहा है, द बैटर इज कम आउट वेरी वेल। फिर हम एक बर्तन लेंगे, देखिए इसमें हम बेक करने वाले हैं, तो अच्छे से आप तेल लगा लीजिए या फिर बटर भी लगा सकते हैं, आजू बाजू अच्छे से लगा लीजिए। देन विल ऐड बटर पेपर इन दिस, नीचे रखेंगे और फिर उसके ऊपर भी थोड़ा तेल का ग्रीसिंग करेंगे। एंड हम लोगों ने कॉर्नर के लिए भी कट किया था बटर पेपर, इवन दिस वी विल ऐड, देन विल ऐड बैटर इन दिस। देखिए कितना अच्छा स्मूथ टेक्स्चर आ चुका है, सी यम्मी ना, लुकिंग यम्मी, बिकॉज दिस इज चॉकलेट ट्रफल, सो वी हैव गिवन दिस फ्लेवर। अगर आपको और फ्लेवर के केक चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, वी विल श्योरली गेट दैट केक्स वीडियोज ऑल्सो। फिर हम टैप कर लेंगे बिफोर कीपिंग ऑन स्टोव या माइक्रोवेव, कुछ भी आप प्लीज़ केक कुछ ऐसा टैप कर लीजिए, क्योंकि आजू बाजू अच्छे से बैलेंस हो जाएगा एंड इट लुक इवन। हमारा ये तवा गर्म हो चुका है, हम इसके ऊपर रख देंगे। देन एक बड़ा बर्तन लेंगे और फिर इसके ऊपर ढक देंगे हम लोग फॉर अराउंड 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। अब बात रहिए और चेक मत कीजिए, रख दीजिए 30 मिनट्स के लिए, या फिर आप टाइमर भी रख सकते हैं। हमारा 30 मिनट्स हो गया था, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक तैयार है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से स्टीम आ चुका है। एक बार नाइफ़ की हेल्प से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल साफ आया हुआ है नाइफ़, दैट मीन्स हमारा केक अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपका ना हो तो आप 2-3 मिनट्स और रखेंगे स्टोव पे, देन तब का तब मत फ्लिप कीजिए केक। एक 5-10 मिनट ठंडे होने के बाद आप फ्लिप कीजिए और इसके बटर पेपर सब कुछ काट लीजिए। अगर आप तभी का तभी फ्लिप कर देंगे तो केक बटर पेपर ही लग जाएगा, आधा उसमें ही लग जाएगा। अगर ठंडे होने के बाद फ्लिप करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह आएगा आपका केक, और जो ऊपर का लेयर जो अनइवन है वो काट लेंगे। अगर आप ये डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या क्रम्स के जैसा ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं आप केक के ऊपर, धीरे धीरे से काट लीजिए। हम केक के 3 लेयर्स करेंगे, राउंड शेप काट लीजिए आप केक को, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आई नो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्राई करने में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, हर कोई ट्राई करने के बाद ही परफेक्ट होगा।
सीन, नाउ दिस इज परफेक्ट। नेक्स्ट अब हम फिलिंग के लिए चॉकलेट लेंगे, देन आपके पास क्रीम हो तो क्रीम ऐड कर लीजिए, व्हिपिंग क्रीम हो तो व्हिपिंग क्रीम ऐड कर लीजिए। फिर हम इसे भी ओवन के अंदर 30 सेकेंड्स के लिए रखेंगे, आप चाहिए तो डबल बॉयलर भी कर सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बाय चांस आपका केक मेल्ट ना, चॉकलेट मेल्ट ना हो तो फिर और 30 सेकेंड्स के लिए रखिए और इसे अच्छे से मेल्ट कीजिए। सिर्फ 30 सेकेंड्स यूज़ कीजिए, उतना ज़्यादा मत रख दीजिए। अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा चॉकलेट, और हाथ से भी और थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम लोग। देन वी विल ऐड बटर। बटर आपके इसमें केक में शाइन देगा जो हमने ये फिलिंग के लिए यूज़ किया है। देखिए एक 10 मिनट्स हमने फ्रिज में रखा था एंड देन वी स्टार्टेड ब्लेंडिंग। अगर आपके पास ब्लेंडर ना होता तो कि आप हाथ से ही विस्क कर सकते हैं, एंड पैपिंग बैग के हेल्प से हम जो हमने ये ब्लेंड किया है चॉकलेट उसके अंदर फिल कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो जो दूध की पैकेट होती है ना उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दीजिए, उसकी हेल्प से भी आप पाइपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पाइपिंग बैग ही चाहिए करके। देन हमने सिरप बनाया था, शुगर सिरप और शुगर और पानी एंड कॉफ़ी पाउडर थोड़ा ऐड किया था क्योंकि कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा होता है ट्रफल्स में इसके लिए। फिर जो हमने पाइपिंग बैग में चॉकलेट की फिलिंग थी वो ऐड करेंगे अच्छे से। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको चॉकलेट स्प्रेड करने में आसानी होगी। स्पैचुला की हेल्प से आप अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, जैसे ब्रेड पे जैम स्प्रेड करते हैं बिल्कुल इसी तरह। अगर आप कोशिश करेंगे तो हर चीज़ होगी। सो प्लीज़ फॉलो आर मेथड। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका केक आई एम डैम श्योर बिल्कुल अच्छे से बनकर आएगा, जैसे हमारा आउटलुक हुआ है केक का। देन वी विल ऐड चोको चिप्स ऑन दिस। फिर सेकेंड लेयर को भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर में करा था। शुगर की कोटिंग करेंगे, चॉकलेट क्रीम ऑन दैट, देन चोको चिप्स। फाइनल इसमें हम लोग जो हमने शुगर सिरप किया था वो ऐड करेंगे, और जो चॉकलेट बनाया था हम वो सारी फिलिंग्स सराउंडिंग जो केक का है वो सब कुछ हम चॉकलेट से केक को ढक देंगे। स्पैचुला के हेल्प से आप ये सब कुछ कीजिए। अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। जो गैप्स हैं वो केक जो स्पॉन्ज केक है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ कवर कर लीजिए। सी अगर थोड़ा मेसी हो तो आप टेंशन मत लीजिए, केक बनाने में मेसी होता है, डेकोरेशन में आप क्लीन कर सकते हैं। देन चोको चिप से हम सारे कॉर्नर्स को डेकोरेट कर लेंगे। सी वाव यार कितना यम्मी दिख रहा है एंड इट वाज वेरी डिलीशियस सीरियसली। फिर हम पाइपिंग बैग की हेल्प से फ्लावर का शेप देंगे। सी यम ना, हमने व्हिपिंग क्रीम के हेल्प से इसे ऐसा डेकोरेट किया है। अगर आप बिना फ्लावर के सिर्फ चोको चिप्स इतना ही करेंगे तो काफ़ी है। तो फिर हमने एक चॉकलेट को मेल्ट करके फ्लावर शेप दिया था, दैट वी आर कीपिंग। अगर आपके पास गोल्डन बीट्स हो तो आप रख दीजिए, अगर आपके पास ना हो तो दैट्स ओके, टेस्ट मैटर्स अ लॉट। जो बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। नाउ द केक इज रेडी। सो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच।